कल इजराइल के आसमान में जंग की रोशनी दिखी। 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली आसमान में चमक रही थी। लोगों की चीखें और डर दोनों वीडियो में कैद हुए। वहीं दुनिया ने किया सवाल कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सी न्यूज भारत पर। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान ने इसराइल पर 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। हमला इसराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन पर ईरान का हमला लगभग फेल रहा। ज्यादातर मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इसराइल के हमले के साथ एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान इसराइल के उन दोस्तों पर चला गया जो हर बार उसे बचाते रहते हैं। ये दोस्त इसराइल के डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, ये इसराइल को रॉकेट, क्रूज मिसाइल और वायुमंडल के ऊपर उड़ने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से बचाते हैं। इसराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा मशहूर है। तो चलिए इसी सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे भारत के लिए इसराइल और ईरान में से कौन है सबसे ज्यादा खास और कौन है सबसे ज्यादा जरूरी। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान ने इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों मिसाइल ईरान की ओर से इसराइल पर बरसाए गए, लेकिन लगभग सभी फेल रही क्योंकि इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी को हवा में ही बेदम कर दिया, जिसके बाद दुनिया फिर सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर कैसे इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने ये कारनामा कर दिखाया। इसराइल का डिफेंस सिस्टम कमाल का है। ये इसराइल को रॉकेट, क्रूज मिसाइल और वायुमंडल के ऊपर उड़ने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से बचाते हैं। इसराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसके बारे में लोगों ने सुना है, लेकिन इसराइल के पास इससे भी घातक हथियार है जो मिसाइलों को हवा में उड़ा देते हैं। हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रॉकेट के खिलाफ चलते हैं। आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल हिजबुल्ला और हमास दोनों की ओर से इसराइल पर दागे गए रॉकेट को मारने के लिए किया जाता है। इन रॉकेट में विस्फोटक होते हैं जो अंधाधुंध हमले करते हैं। इसमें किसी भी तरीके का गाइडेंस सिस्टम नहीं होता। तो ये काम कैसे करता है, चलिए ये भी जान लीजिए। इसराइल के पास पूरे देश में आयरन डोम की 10 बैटरियां हैं। हर बैटरी के साथ एक रडार लगा होता है जो रॉकेट का पता लगाता है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रॉकेट की दिशा, स्पीड और उससे होने वाले नुकसान का पता लगाता है। आयरन डोम सभी रॉकेट को नहीं मारता, ये उन्हीं रॉकेट को खत्म करता है जो आबादी वाले इलाके में गिरने वाले हों। इसके अलावा इसराइल के पास डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम भी है जो दुश्मन को मार देता है। CSIS के मुताबिक डेविड स्लिंग की मारक क्षमता 40 से 300 किलोमीटर है। अमेरिका और इसराइल ने इसे साथ मिलकर बनाया है। ये दो चरणों वाली मिसाइल है जिसमें कोई हथियार नहीं लगा है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधे टकराकर उन्हें खत्म कर देता है, जिस कारण इसे हिट टू किल के रूप में जाना जाता है। वहीं अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल ने Arrow 2 और Arrow 3 डिफेंस सिस्टम भी बनाया है जो डेविड स्लिंग के बाद आता है। यही सिस्टम आज इसराइल के काम आ रहे हैं। वहीं बात करें इस जंग की, तो भले इसराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, मगर पूरी दुनिया में कई सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर कौन सा देश किसका पक्ष लेगा। ऐसे में भारत की भूमिका क्या होगी, इस पर भी सवाल है। और क्या भारत के लिए इसराइल और ईरान में से कौन जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है। देखा जाए तो इसराइल जरूरी है, वैसे ही ईरान भी भारत के लिए जरूरी है, लेकिन बात जब सबसे खास और सबसे जरूरी बात की आती है तो कहीं ना कहीं इसमें इसराइल ईरान को मात देता है। पिछले 5 सालों में भारत और इसराइल के बीच व्यापार जहां दोगुना हुआ है, वहीं इस दौरान ईरान और भारत के बीच ट्रेड कम हुआ है। यही बढ़ता व्यापार भारत और इसराइल के बीच मजबूत होती दोस्ती की गवाही देता है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद 2017 में इसराइल के दौरे पर गए थे। इसराइल का दौरा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। इसराइल और भारत की मजबूत दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पीएम मोदी इसराइल गए थे तब बेंजामिन ने उनका हाई लेवल रेड कार्पेट पर स्वागत किया था। देखा जाए तो फिलहाल ईरान के हमलों के बाद इसराइल अब
एक्टिव मोड में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन और आईडीएफ ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि उसे इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे ये जंग कौन से मोड पर जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।